गया? कच्चू के पापा सुनिए ना, हमारा लल्ला वापस आ रहा है, हमारा राधे वापस आ रहा है। पागल आ गई हो? नहीं कृष्णा, कृष्णा पेट से है, कृष्णा पेट से है, कच्चू के पापा हमारा लल्ला वापस आ रहा है। पेट से है, तुमको कैसे मालूम? हमको कैसे मालूम? हाँ, अरे चार चार बच्चा पैदा किए हम, हमें पता नहीं होगा तो किसे पता होगा? हाँ, सुबह सुबह उल्टियां कर रही थी, हम खुद देख कर आ रहे हैं शुक्ला जी। पगला गई हो शुक्ला, इन सवेरे सवेरे ना तुम भांग पी ली हो। अरे तबीयत खराब होगी, अब मान लो हमारी तबीयत खराब है और हम उल्टी करने लगे तो हम प्रेग्नेंट हो गए। औरत हैं आप? हाँ, माँ की भावनाएं हैं गज्जू के पापा, छूटी नहीं होती हैं। अरे हम बोल रहे हैं ना, कुछ तो समझ में आया होगा हमें भी। हाँ तो ठीक है, अस्पताल अपना है, जांच करवा लो, हैं? उसमें क्या है? कैसी बातें कर रहे हैं आप, हैं? अरे कितना कोहराम मच गया घर में, कितना कुछ हो गया परिवार के साथ, सब कुछ तो उसमें लुटपिट गया। ना ना, हम अस्पताल जाके जांच वांच ना करवाएंगे। अस्पताल में जांच करवाने का मतलब है पूरी दुनिया को बता देना। तो एक उपाय है, वो काम करो, मेडिकल में जाओ और वो मेडिकल में वो चुपचाप जांच करने वाला होता है ना, उससे मालूम चला लो। चलो, अब समझ ही नहीं रहे हैं, अरे घर में जांच करेंगे तो कृष्णा को पता नहीं चल जाएगा। बात बताओ सुकलाइन, कृष्णा को बिना मालूम चले ही उससे बच्चा पैदा करवा लोगी? इतना साइंस तरक्की कर लिया है क्या? अरे कन्फर्म कैसे होगा वो हमको बताओ। जिसने हमारे सारे बच्चों को पैदा किया वही हमारे लल्ला को वापस लाएगी। अभी कौन है? कांता मौसी। ये वो ससुरी अभी तक जिंदा है? ठीक है, बुलवा लो, बुलवा। हम अभी कांता मौसी को बुलावा भिजवाते हैं। देखा आपने, ये कुछ बेसिक प्रोटोकॉल्स हैं, पेशेंट के डॉक्टर तक पहुंचने से पहले ही उसकी जान बचा सकते हैं, एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। ओके, सो अभी हम इसे देखा आपने इसको, ये इनिशियल एग्जाम करने के बाद ही हमें पता चलेगा कि कौन सी बीमारी कहाँ है। तो इसको ऐसे बोल, सॉरी गाइस, आई नीड टू टेक दिस वन, एक्सक्यूज मी, सुरेश टेक ओवर। हेलो, हाँ माँ, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है क्या? थोड़ा बिजी हूँ। हाँ बेटा, हम समझते हैं, लेकिन नैनी का फोन नहीं लग रहा है। 2 घंटे हो गए हैं, हमें लगा पहले बिजी होगी, लेकिन डॉक्टर साहब हमें बहुत घबराहट हो रही है। हाँ माँ प्लीज, आप फिक्र मत करिए, मैं छुटकी को फोन ट्राई करता हूँ। ओके, हाँ ठीक है ठीक है। हाँ माँ, माँ छुटकी तो मेरा फोन भी नहीं उठा रही। एनीवेज मैंने एक कमी से छोड़ दिया, अगर उसका रिवर्ट नहीं आया तो मैं खुद जाके देखता हूँ। हाँ, माँ प्लीज प्लीज प्लीज, आप फिक्र मत करो, मत घबराओ।
लाइमा आप आई आई त्रिलोकी, अरे देखो कौन आया है। अरे मौसी, अरे अम्मा। हाँ अरे कांता मौसी, अरे कैसी हो? हाँ तुम कैसी हो? आओ बैठो, आओ आओ। अरे तुम ना बदली है। शुक्लाइन, राधे के बारे में सुनना बहुत बुरा लगा। बिना वजह की बात, ये भी कोई उम्र है जाने की? ऐसा क्यों हुआ? लो अब फिर से पूरी राम कहानी शुरू होगी, फिर से घर में मनुष्यत फैलेगी। राधे की बहू कहाँ है? कृष्णा, कृष्णा ये कांता मौसी, बहुत सालों से हमारे परिवार के साथ जुड़ी हैं, बुजुर्ग हैं। अरे ये सारे बच्चे इन्हीं की गोद में खेल खेल के बड़े हुए हैं। सालों से हम इस परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन तुम्हारी सास, उसने हमें तुम्हारी शादी में ही नहीं बुलाया। बिना वजह की बात, और देखो आज खड़े हैं तुम्हारे सामने। लेकिन जो सबसे लाडला था वो हमारे बीच नहीं है। मौसी जी, हमारा फूल। हाँ ले लो बेटा। हाँ जीत। हाँ बस हम निकल रहे हैं। ये यहाँ क्या कर रही हैं? हाँ ठीक है, तुम उन्हें थोड़ा बैठने बोल दो, हम आ रहे हैं। चल कर रहा है नाटक, ये काहे चला टापर को पकड़ के बैठ गई है और मनुष्य खिलाड़िया सलग। मौसी जी हमें अस्पताल जाना है, देर हो रही है। हाँ हाँ बेटा, काम से बढ़कर कुछ नहीं होता। हम तो क्या कभी भी मिल लेंगे तुमसे। जाओ जाओ ना, काम करो, खुश हो बेटा। मुबारक हो शुक्लाइन, तुम्हारा ख्याल बिल्कुल सही था, तुम फिर से दादी माँ बनने वाली हो। बहु की नाड़ियां मैंने जांच ली। अरे का खबर सुनाइए कांता, ये रखो। अरे तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। अरे पूरे शहर में ढिंडोरा पिटवा देंगे हम, मिठाइयाँ बंटवा देंगे, हमारा राधे लल्ला फिर से आ रहा है, हम बहुत खुश हैं भगवान। बिना वजह की बात शुक्लाइन, इतना सब कुछ हो गया तुम्हारे परिवार में और तुम अभी किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। संकट टला नहीं है तुम्हारे परिवार से, और नवजात शिशु को एक मिनट नहीं लगता नजर लगते हुए। तुम वो ही करोगी जो हम कहेंगे। पहले एक पूजा करेंगे बच्चे की सुरक्षा के लिए, उसके बाद तुमको जिसको बताना है जो करना है तुम कर लेना। नहीं नहीं, आप जैसा कहेंगी ना हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। हम फटाफट पूजा की तैयारियां शुरू करवाते हैं।
लल्ला को कुछ होना नहीं चाहिए। राधे स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।